फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब सरकारी रिजल्ट पोर्टल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको हर अपडेट सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 में नाविक जीडी और यात्रिक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट 350 हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी एंड यात्रिक 1/2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें 350 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिवाइड की हुई है। अगर हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड अनाउंस्ड इन नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक वैकेंसीज इन इंडियन कोस्ट गार्ड इन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन फॉर 01/2022 बैच। जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो वैकेंसी डिटेल को और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, तब इसको अप्लाई करें। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, फॉर अदर के लिए 250 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप इस फीस को ऑनलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, इम्पोर्टेंट डेट में अगर हम बात करें कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 2/7 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16/7 एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप ई एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर टेंटेटिव स्टेज वन एग्ज़ाम डेट की बात करें तो मिड सितंबर या एंड सितंबर के तक होगा, और सेकंड जो स्टेज होगी वो मिड और एंड अक्टूबर तक ली जाएगी। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें फरवरी 2022 के अंदर ये होने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर आप एग्ज़ाम डेट नाविक और नाविक की देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ फेज़ के लिए, जो अप्रैल 2022 में होने की संभावना है। डेट ऑफ रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो 30 दिन के भीतर अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ ट्रेनिंग दोनों की यहाँ पे दी गई है। फरवरी और अप्रैल 2022 के अंदर ट्रेनिंग होगी। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है 18 से 22 के बीच में रखी गई है। जो कैंडिडेट 1/2/2000 से लेकर 31/1/2004 तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सबको दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग और विजुअल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी डिटेल की बात करें, नाविक जर्नल ड्यूटी के लिए +2 में मैथ और फिजिक्स होनी ज़रूरी है, जिसकी टोटल पोस्ट है 260। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th क्लास ही मांगी गई है, उसके लिए टोटल पोस्ट हैं 50। उसके बाद यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, तब इसको अप्लाई करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।